दोस्तों YouTube पर आज दिन से ही एक प्रॉब्लम चल रही है और वो प्रॉब्लम ये चल रही है कि जब आप अपने किसी और अकाउंट पे अपने YouTube एप्लीकेशन में विजिट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि अभी मेरा एक YouTube चैनल यहाँ पे ओपन है। ओपन होने के बावजूद अगर मैं किसी और अपने YouTube चैनल पे यहाँ से लॉग इन करना चाहता हूँ तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ, जो कि पहले इजीली हो जाता था। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपने इस चैनल के अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और किसी और अकाउंट में यहाँ पे विजिट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अदर अकाउंट्स के नीचे एन एरर ऑक्योर्ड, यानी कि कोई एरर की वजह से यहाँ पे मैं अपना अकाउंट चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, दिन से ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जब ये काफी लंबे समय तक ये चीज प्रॉब्लम के रूप में बनी हुई है तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही होगी अपनी वीडियोस अपलोड करने में किसी और यूट्यूब चैनल पर। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे अपनी कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे अकाउंट चेंज करके इजीली, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज और दिखा देना चाहता हूं कि यही प्रॉब्लम जो है, पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि आपके YT स्टूडियो में भी आपको दिखाई देती है। जैसे आप अपने YT स्टूडियो में जाओगे और अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करोगे और फिर अपने चैनल के नाम पे क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको एरर दिखाई देता है अपने अकाउंट को चेंज करने के दौरान। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है इसका, अब वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एक ब्राउजर में जाना होगा। तो हम यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाते हैं। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे YT Studio Desktop Version टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वरना बहुत से लोगों के हो सकता है YT Studio ओपन नहीं भी हो। तो यहाँ पे YT Studio पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जब आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। तो यहाँ पे आपका YT Studio ओपन हो जाता है, जैसे आप डेस्कटॉप में ओपन करते हो कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो यहाँ पे आपका YT Studio Desktop Version ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए इसे हम कैंसिल कर देते हैं, ये गलत विंडो यहाँ पे ओपन हो गई। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है, यानी YT Studio डेस्कटॉप वर्जन में कोई एरर नहीं आया। अगर आपको वीडियोस अपलोड करनी है तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो और अपने जो भी प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि डेस्कटॉप वर्जन में क्या होता है कि थोड़ा सा जूम आउट हो जाता है, तो जूम इन करने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है मोबाइल में खासतौर पर। तो यहाँ पे प्लस का जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, बनाएं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हो गैलरी में से लेके। अगर आपके पास डेस्कटॉप है यानी कंप्यूटर या लैपटॉप है तो और आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इस चीज को कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है जो आपको वहां आ रही थी, यानी कि यूट्यूब एप्लीकेशन में और YT Studio एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे अगर मैं अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है खाता बदलने का। ठीक है, तो हम अगर इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको मेरे और चैनल्स दिखाई देंगे जिन पे मैं यहाँ से लॉग इन कर सकता हूँ इजीली, यानी यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट वो प्रॉब्लम अभी एप्लीकेशन में आ रही है। तो कुछ देर में हो सकता है कि वो सॉर्ट आउट हो जाए और जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाए, लेकिन अगर नहीं होती है लंबे समय तक, अगर एक दो दिन बनी रहती है या बाद में ठीक होने के बाद फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो आज के इस वीडियो में आप इजीली समझ चुके होंगे कि आपको इस दौरान क्या करना है, अपने चैनल पर वीडियोज अपलोड कैसे करनी है, रेगुलरिटी कैसे बनाए रखनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल की वीडियोस रेगुलर YouTube पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।